पैसा सुलक्ष भाई के पास माना बहुत सारा पैसा छुपा मूर्ति छुपा मूर्ति फिर हो गया तो मरना तो मरो फिर अपना ही चल रहा है बनारसी दास बने हुए तो लोमड़ी अगर आ भी गई तो क्या हो गया अगर आपको डसना है तो मनीष भाई को डसना -9 और अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं तो सही अरे बात तो सुना यार ब्रदर जींस ब्रदर न्यू जींस 100 रुपीज ब्रदर मेरे काम के ही है क्लैपिंग तेज होती जाएगी किसकी बम्स की जितनी तेज क्लैपिंग उतना कम टेम्परेचर हमको चाहिए फुल इज्जत सबसे बढ़िया ठंड जिसने गुजार का सबके पुले में खड़ा होना ना -11 में आपकी जी में दम चाहिए नहीं लग रही भाई ठंडी लग रही ठंडी लग रही फट रही लेकिन ठंडी लग रही है क्या नाम श्रवण कुमार खड़ा है क्या चल रहा है तुम्हारा है तुम सो क्यों नहीं रहे हो मुजरा शुरू किया जाए ना अल्टीमेट भाई तो प्लान यही है कि आज पार्क नीचे एकदम रिवर के पास दीवार का सहारा क्योंकि रात में होगी ताबड़तोड़ ठंड आज टेंट में बैठ जाएंगे हीटर चला लेंगे तो जी अब क्या है ना कि हम जिसपा तो पहुंच गए अब हमें खाने के लिए कुछ कोई रेस्टोरेंट खोज रहे हैं तो वो ना एक्चुअली मोस्ट क्योंकि टूरिस्ट सीजन है नहीं ना तो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो यहाँ पे है ना वो बंद है तो अभी एक नीचे रेस्टोरेंट है सुलझ भाई गए वहाँ पे पूछ के आने बाकी देखते हैं अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे अब कहना चाहिए कि जिसपा में हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला सारे के सारे शॉप्स बंद पड़े हुए हैं तो हम वापस से कीलोंग की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए और टाइम अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो गया है तो कीलोंग पे अपन खाना खाने के बाद दोनों गाड़ी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि बैटरी हमारी चार्जिंग के लिए लगी हुई थी वो लगी हुई थी जहां हम आज सुबह रुके थे किस जगह पे रुके थे शिशु के पास कहीं पे रुके हुए थे मूर्तिजा में हमारी दोनों बैटरी थे तो एक गाड़ी जाएगी हैरियर जाएगी मूर्तिजा एंड उसमें डीजल भी डलवाना है क्योंकि हैरियर का फ्यूल टैंक थोड़ा सा कम है तो वी वांट कि गाड़ी में डीजल भी रहे सफिशिएंट क्वांटिटी में ताकि अगर रात में पूरी रात गाड़ी ऑन करके छोड़ के और हमें चार्जिंग पॉइंट निकालना पड़े तो हम वो निकाल पाए बाकी देखते हैं जो होगा जैसा होगा आपको पता चलता रहेगा अभी तो हमें भी नहीं पता है कुछ नहीं दिखता है ना एकदम आंखें चौंधिया जाती हैं एकदम विजिबिलिटी जीरो सो जी सिंगरी के पास अपने को एक जगह मिली है और यहाँ पे वेट कैंटीन है तो यहाँ पे रुके हैं पराठे और चाय और ऑमलेट तो यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है यार सो मनीष भाई गाड़ी खुली है क्या आपकी गाड़ी खुली है क्या शायद निकला कुछ हाँ मतलब खुली खुली छोड़ के बैठ गए वो सही बात है मैं जाता मैं टोपी निकालने जा रहा मेरे को ठंड लग रही है सर जैकेट आ जाओ ना फिर आ जाओ ना ये यहाँ से जैकेट उठा लेते हैं ना आर्मी वाली जैकेट बाप रे हवा चल रही है बहुत तेज अंदर ठीक थे ना यहाँ तो और ज्यादा बर्फ दिख रही है मेरे को ना और सूरज ढल गया ना भाई साहब आज भी वो आर्मी वाले भैया कह तो रहे थे कि पगला गए हो क्या -15 यहाँ आदमी जम रहे हैं पूरा पूरा हमारा पानी जम जाता है तुम लोग कह रहे हो कैंपिंग करोगे फिर हमने उनको बताया कि हमने कल भी किया था फिर हो गया तो मरना तो मरो फिर हाँ मरना है मरो ओ भाई साहब मैं क्या निकालने आया था टोपी अच्छा ठीक है इधर है गरम खाना कितना अच्छा लग रहा है ना हाँ भैया पराठे बहुत मस्त थे बहुत मजा आया हमें खाने में बहुत पेट भर के खाया हमने अब खाने आज सुबह से गया ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ रही है भाई 2-3 लेयर जैकेट मैंने तो डाल लिया है क्योंकि अभी ये कंडीशन है ना कि अभी हाथ पूरे फ्रीज होने लगे हैं और अभी तो एक्चुअली ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है 4:19 हुआ है तो यहाँ पे जहाँ पे धूप नहीं है ना भाई दिक्कत होती है बहुत दिक्कत तो जी फिलहाल टाइम हो रहा है 4:24 अरे यार श्री तू पागल हो गई है क्या जब कुछ बता रहा हूँ उसी समय चलने लगती है और टेम्परेचर यहाँ पे है -1 ये -1 इसमें दिखा रहा है बट एक्चुअल फील उससे कम है और हम आ गए जी XUV में मैं और मनी आ गए XUV में
और यहाँ से अपन लेंगे वापस जिस्पा के साइड। सुलश भाई और मनोज भाई चले गए वापस से शिशु के साइड, क्योंकि हमारी जो दो बैटरी थी वो चार्ज हो रही थी, तो वो ऑलमोस्ट उनको वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, एक घंटा के करीब लगेगा, और हमें पीछे पहुँचने में एक घंटा लगेगा। तो मिड पॉइंट पे थे, हालत खराब हो रही है यार, मतलब आज सीरियसली ना थोड़ी थोड़ी फट रही है, ऑनेस्टली बताओ तो सीरियसली यार, -15 आप सोचो गाड़ी के अंदर, ये गले में मतलब तीन, ये जैकेट पहना है, इसके अंदर एक और जैकेट पहना है, उसके अंदर एक और जैकेट, फिर टी शर्ट पहना है, तो ऊपर तो ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, बट जैसे ही बाहर निकल रहे ना, जो फेस एक्सपोज है ना, वो पूरा अजीब सा ही फील हो रहा है यार। तो अब अरे चल बो दीदी, मनी को सेकंड डालना। हाँ तो भाई एक मनी गियर डाल रहा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तुलश भाई की जो गाड़ी है ना, फर्स्ट जनरेशन है XUV, भाई सीट्स इतने हार्ड है ना, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं गिरेगा ना, बड़ा डेंजरस है यार इधर, देखो बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हुए ना। यहाँ पे हम करने वाले कैंपिंग, ये जगह सुलश भाई ने ही पता की थी, सुलश भाई ने ऑलरेडी यहाँ पे कैंपिंग किया था। और इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल है क्या, तो लगा दो तो देखते थोड़ा काम करता है कि नहीं, कर रहा है भाई, मैंने ब्रेक वेक से पैर हटाया हुआ है, देखो हिल डिसेंट कंट्रोल काम कर रहा है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। हाँ देखो मैंने ब्रेक से पैर हटाया हुआ है भाई। हाँ अच्छा। गाड़ी अपने आप नीचे, आदमी पैसा देता है तो फीचर भी मिलता है, इस बार पैसा लगाया जाए। हाँ पैसा लगाया जाए इस बार पूरा, हाँ फुल मजा लिया जाए, फुल मजा लिया जाए। रियर व्यू कैमरा देना चाहिए था भाई, पैसा तो बहुत दिया है, हिल डिसेंट कंट्रोल दे दिया, रियर व्यू कैमरा नहीं दिया। हाँ उस समय आता नहीं होगा ना, उस समय ज़्यादा प्रचलन नहीं होगा। इसको न्यूट्रल पे डाल दिए और ब्रेक से पैर हटा दिए। हाँ गाड़ी पूरा फुल ब्रेक मार रहा है, चलो आज ये भी टेस्ट हो गया, सुलश भाई ने पता नहीं किया ना हो, हमने तो कर लिया। यही जंप लगा देगा या नहीं, रिवर पे लगाएंगे। अरे रिवर पे नहीं जाएगी गाड़ी। अरे बिल्कुल जाएगी, आज तक ऐसा हुआ कि कहां जहां तक गाड़ी नहीं जाए, जहां तक सपाट रोड वहां तक गाड़ी। हाँ यहां लगाने से अच्छा वहीं लगाते हैं, यहां खुले में लगाने का क्या मतलब, ये इसके चारों तरफ से, ये देखो आगे रिवर, ये देखो बिजली का तार है यहां पे, समझे ना, तो हम कौन सा बिजली ले रहे हैं इनसे। अच्छा इसके लिए, अरे यहाँ पे ये भी है भाई, यहाँ पे बल्ब वल्ब भी लगाने के लिए। हाँ लाइट आ रही हो, अगर लाइट आ रही है तो भाई तो ताबड़ तोड़ हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना हीटर का। हाँ लगा देंगे अपने इसी से। क्या कैसा हो रखा है चेहरा? चेहरा तो ऐसा हो रखा है अपना ही लग रहा है, बनारसी दास बने हुए। इसके पहले तुम क्या बोले वो बोलो। वो बोलो ना प्लीज। अबे बोलो ना प्लीज। बच्चे लोग भी देखते हैं ना। अच्छा ठीक है। वैसे यहाँ पे बैठ के अच्छा लग रहा है ना गाड़ी के अंदर। अब जी यहाँ तो हम पहुंच गए और फिलहाल बज रहे हैं शाम के, अरे यार, और फिलहाल बज रहे हैं, फिलहाल क्यों से फिलहाल से, फिलहाल बज रहे हैं शाम के, अब नहीं सुन रही है। इट्स ऑलरेडी 6 और -7 degrees है बाहर अभी, ये देखो थोड़ा फोकस, हाँ -7 degrees है बाहर और 6 बज चुके हैं। अब वेट कर रहे हैं सुलश भाई का, भाई 6 बजे -7 तो आए, अच्छा सॉरी कहीं म्यूजिक बज गया था। तो यहाँ पे देखते हैं गाड़ी कहाँ लगाते हैं, थोड़ी रोशनी वोशनी तो है यहाँ पे। हैरियर आ गई है अब 6:13, भाई हम तो गाड़ी से निकले ही नहीं ना, -7 है यार, ऐसा लग नहीं रहा है ना कि -7 में है, बस इतने कम कपड़े तो नहीं कहेंगे, बट या जिस हिसाब से टेम्परेचर है ना उस हिसाब से हम तो डेफिनेटली अंडर प्रिपेयर्ड हैं। जल्दी हैरियर आए फिर डिसाइड करें कि यहाँ पे गाड़ी लगानी कहाँ पे है। तो जी गाड़ी हमने यहाँ लगा दिया, आज एक के पीछे एक लगाई है और दोनों के टेंट्स सामने खुलेंगे, क्योंकि हवा का डायरेक्शन देखना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो हवा थोड़ी कम हो गई है, बट यार हवा का कोई भरोसा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सो जी रात में यहाँ पे टेंट सेटअप करना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमने टेंट इतनी बार खोला और इतनी बार बंद किया है ना कि आदत हो गई है। थोड़ा सा लाइटिंग का यहाँ पे हमने ना
यूएसबी से अभी थोड़े से लाइट्स लगाए, जैसे यहाँ पे दो लाइट लगा दिया है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, ये बड़ा वाला यू नो पावर बैंक है, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ चला सकता है, बट इसमें कनेक्शन एक्चुअली सिर्फ दो है। तो अब यहाँ पे एक छोटा है, आई थिंक सूरज भाई ये चार्ज नहीं किया था ना हमने, क्या ये वाला, ये चलेगा, दिख नहीं रहा क्या, ये बल्ब लाइट नहीं, ये फुल चार्ज है, फुल चार्ज है, अच्छा ओके ठीक है ठीक है। तो अपन लाइट मार रहा है यार, ये देखो, हाँ क्या चाहिए बस, यहाँ तो लोमड़ी का खतरा नहीं है ना, अरे यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, लोमड़ी अगर आ भी गई तो क्या हो गया, भालू थोड़ी ना है कि गे है, जो वही तो घर को, हाँ? अरे लोमड़ी तो वो गे नहीं होती, हाँ? लोमड़ी स्ट्रेट होती है पता है, अच्छा शी लाइक्स मैन, अच्छा और यहाँ तो चार है, अभी थोड़ी देर टेंट में बैठते हैं अपन चारों, हाँ ठीक है, तो ये हीटर अंदर ले चलेंगे, थोड़ी देर ले रह लेंगे, थोड़ी विंडो खोल के बैठेंगे अंदर अंदर, ठीक है ठीक है, और है। फिर जब वो आ जाएगी ना लकड़ियाँ, तो बॉन फायर के लिए बाकी खाना वाना बनाने के लिए नीचे आ जाएंगे, अच्छा मतलब अभी थोड़ा माहौल हम टेंट के अंदर बनाएंगे, टेंटो बार जो कल करेंगे, ठीक है ठीक है भैया, इस जगह एक कैंप साइट भैया का ओनर है एंड ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, ओ वाओ, और भैया की हॉस्पिटैलिटी और कैंप साइट जब रनिंग होती है ना सीजन में, आओ विकास भाई ऑसम मजे आते हैं, डीजे वीजे ऑसम फूड गुड कैंप्स अंदर, पूरा वॉशरूम टॉयलेट सब कैंप्स के अंदर ही होता है। बाकी गाइज इस रूफटॉप टेंट्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो सुलज भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, बट उनके पास अभी बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, तो प्लीज यार वो मत करना, वो परेशान हो जाते हैं यार, सीधे साधे इंसान है, उनको परेशान नहीं करना है। बाकी रूफटॉप के बारे में कुछ भी जानना है, मनीष भाई आपका भी नंबर दे दे क्या, नहीं देखो सीधा साधा इंसान है, उनको प्लीज मत करना, हाँ। अगर आपको डसना है तो मनीष भाई को डसना, ठीक है भाई, डसने के लिए मनीष भाई, मनीष बवेजा ऑलवेज देयर, ऑल आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, एक बार अपनी घड़ी में दिखाना, जादुई घड़ी में टेम्परेचर कितना है, अभी देख के डर गए थे भाई साहब, -9 भाई साहब, और अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, 7 बजे और एल्टीट्यूड कितने पे, कितने एल्टीट्यूड पे हम, एल्टीट्यूड आ गए हैं हम लोग 10,355 के लगभग, ओ भाई साहब, कल से तो कम, कल से लेकिन ठंडा पता है क्यों, ये नदी बह रही है ना बगल में, इस वजह से ठंडा है, ठंडा है, लेकिन एक चीज अच्छे विकास पे नोटिस करो, हवा नहीं है, हाँ, क्योंकि पता है कि हम चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं ना, बीच में नदी, सुबह दिखेगा कि हम नदी के एकदम क्लोज है और एकदम वैली में, लेकिन एल्टीट्यूड फिर भी ठीक है, अच्छा है, टेम्परेचर बहुत ठंडा है, पर ठंड इसलिए नहीं, फिर ना धुआं निकल रहा है, इसीलिए ठंडा है कि नदी पानी नदी है, ना? है बगल में पानी है, पानी की आवाज आ रही है, सुबह सब फ्रोजन दिखेगा, मजा आएगा, सुबह ड्रोन शॉट लेंगे ताबड़तोड़, अगले वीडियो में दिखेगा आपको यहाँ का ताबड़तोड़ ड्रोन शॉट, बैटरी चार्ज करवा दिए मनी भाई से, अब आएंगे मजे, अभी टेंटो बार शुरू करें, चलो 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 चढ़ते हैं ऊपर, चढ़ते हैं, ओ ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु इधर नहीं दिख रहे हो गुरु, इधर आ जाओ, छुपा छुपी खेल रहे हैं, हाँ अंधेरे में चले गए ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, देख लिया अब दोनों दुनिया को मूर्ति चा बना रहे थे, मूर्ति चा ही बना रहे हो, मूर्ति चा बना रहे थे आप दोनों, मनीष भाई गिर मत जाना, यहाँ बीच में उंगली डालनी किसी को, आपको मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बीच में डालना, हाँ हाँ, गाड़ी का वो एंगल ऐसा है कि सीढ़ी है, पत्थर पे है, हाँ ठीक है ठीक है, ध्यान से चढ़ना, चलो चलो थोड़ा सा दबेगा मनी भाई, दबा दबा चल जाओ, यस गो इन गो इन, ये पकड़ लो, ये पकड़ना पकड़ना, अरे भाई साहब हर आधे घंटे में बदलेंगे, आज नहीं है तुम्हारा, हाँ कि तुम लोग पीछे लगा के बैठो और हम लोग इधर, हर आधे घंटे में बदला जाएगा, एक मिनट हम उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, हाँ उधर बैठ जाते हैं, वहाँ हीटर भी नहीं है, हीटर दिया ही नहीं ऊपर मैंने, हाँ एग्जैक्टली भाई साहब, हर आधे घंटे में, हाँ आप लोग करो अपना, अरे ऊपर तो बदल लेंगे, हाँ तो सही, अरे बात तो सुना यार, पालिका बाजार, पालिका बाजार, अरे 100 में डन करो, अरे भाई पूरा मान गया तुम तो, पूरा मान गए यार, ब्रदर जींस, ब्रदर न्यू जींस, 100 रुपीस ब्रदर, तभी पकड़ ले, क्यों क्यों तंग कर रहे हो उनको, सुली भाई आई लव यू सो मच, मुजरा शुरू किया जाए, काम के ही हैं मेरे, काम के ही हैं ये गिलास, ये रम मेरे काम के ही है, और ये हीटर ये मणि भाई के काम, अच्छा वो का ही है, तो बेसिकली आज भी हम ये हीटर यूज करेंगे जो कि जलेगा इस ब्यूटेन सिलेंडर से, तो ये सिलेंडर वाला हीटर अभी इसको क्लोज करेंगे और थोड़ा सा वेंटिलेशन रहने देंगे ताकि अंदर एटमॉस्फियर मतलब ऑक्सीजन ऐसा नहीं हो कि पूरा ऑक्सीजन चलता रहे, थोड़ा सा बाहर से हवा अनटेक होता रहेगा, अपन अंदर चिल मार के बैठेंगे क्योंकि फिलहाल तो टेम्परेचर था -9 और आज रात में जाएगा -18 तक, ओ भाई साहब क्या कह रहे थे किसकी क्लैपिंग होगी, बम्स विल, देखो
आपको कैसे पता लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? हाँ, कम हो अगर रहा आपके नहीं सॉरी मतलब आपकी ठंड बढ़ रही है हाँ, और टेम्परेचर -11, 12, 13 क्लैपिंग तेज होती जाएगी किसकी बम्स की जितनी तेज क्लैपिंग उतना कम टेम्परेचर गर्म करेगा ना ये पूरा अरे रेड हॉट हो जाएगा अभी ये देखना अरे नहीं नहीं गर्मी आ रही है भाई अभी शुरू हो जाएगा तुरंत पूरा गर्म हो जाएगा बिल्कुल इसको तो बंद करना पड़ेगा बार बार ये कम लो पे कर दूंगा ना अभी क्या है फुल पे कल चलाया तो 3-4 घंटे चला इसको लो पे चलाऊंगा आराम से और वो भी तो कैन आधा खाली था ना कल वो तो। कैन यूज था पहले मैंने खाना बनाया था उस पे 2-3 बार फ्लेवर फुली बना क्या शुरू करो हाँ ये पानी यही रखो थोड़ा गुनगुना तो रहे सबसे पहले उतरी सबकी टोपियां है ना एवरीबॉडी आउट ऑफ हिज टोपी जैकेट उतर उस भाई की उतर गई है मैं उतार रही हूँ यार गर्म है यार महाट हो गया यार बढ़िया है बहुत गर्म हो गया थोड़ी देर में वेंटिलेशन भी कर रहे हैं भाई प्लीज कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हमारे पास भी है ये वाले नॉलेज हम वेंटिलेशन कर रहे हैं बहुत सारे और ये भी ओपन है थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ बिल्कुल नेटवर्क आ रहा है ना सारे लोग फोन पे बिजी हो गए मैं नहीं हुआ हूँ यार अपार्ट फ्रॉम यू I'm totally free for you. Same call. I'm only drinking. Now Kali. I'm also eating. भाई के पास माना बहुत सारा पैसा लेकिन सुलक्ष भाई अपना भाई जैसा पैसा ही तो है मेरे पे रुपया तोड़ रही है तो रुपया तो तीनों लेके बैठे हो करोड़ों लाखों पैसा निकालते क्यों पैसा कर जेब से निकालो जेब से लूटेंगे तेरे को इज्जत नहीं पैसा पैसा इज्जत नहीं रही अपने को पैसा दिया पैसा चप्पल बना दो कहीं है कतलेआम कुरच देंगे कुरच नोचने से भी बुरा होता है कुरचना कुरच देगा तेरे को साले तैयार रहा अभी तो दूसरा बैग चल रहा है दो और जवाब दे ये तो होना चाहिए ना यार मैंने भाई को पिछली बार दिया अपना जिप्पो वो जिप्पो काम आता है अपने और भाई ने खो दिया किस काम आता है यार आग जलाने के और किस कितने उसके यार मेरे को तो कैंपिंग बहुत काम आता है जिप्पो विंड प्रूफ भी होता है वो काफी तो भाई मैं इसको दूंगा एक माचिस की डिब्बी जला ले नहीं मुझे जिप्पो चाहिए पैकेट दूंगा माचिस का मुझे जिप्पो चाहिए उसमें जिप्पो लिख के दूंगा जिप्पो लिख के देगा ना लिख के दूंगा जिप्पो लिख के 1 महीने का टाइम है क्या दस दिन में दूंगा जिप्पो लिख के दूंगा जिप्पो लिख के देना वर्ड फाइल में जिप्पो लिखना ऐसे और क्या वर्ड फाइल क्यों माचिस से लिखो ना आप कम से कम अरे नहीं नहीं मैं पेन से लिखूंगा यार बढ़िया तरीके से लिख देना उस जिप्पो पे फूल पत्ती लगाऊंगा पूरी और बता तुम और आग देख कितनी भयंकर जलेगी तेरा जिप्पो नहीं जलती हुई उतनी आग जाले जिप्पो भी बोलेगा हमको चाहिए फुल इज्जत आज हम बॉनफायर कर रहे हैं या नहीं अरे कर लेंगे कर लेंगे बाहर निकलने मतलब विकास भाई खाना भी तो बनाना है खाना है हां तो उस समय बॉनफायर पे कर लेंगे ना वही खाना बनाना खाना तो खाना वही खुद से वही दाल चावल वही चिकन और चावल चिकन चावल दाल राजमा आज इस बार तो कढ़ी भी लाया हूं मैं भूल गया था ना पिछली बार छोले कढ़ी सब है इस बार भाई देखो क्या है बॉनफायर भी कर लेंगे पता कैसे करेंगे अभी यहाँ पे 2 पैक और पी लेंगे हम ठीक है उसका नीचे उतरेंगे और तेरा आग जलाएंगे मेरी आग क्यों जलानी है अब तेरी नहीं लकड़ों की आग जलाएंगे मिट्टी का तेल डालेंगे बढ़िया फिर नीचे कुर्सी डाल लेंगे और फिर उसके बाद उलाला भी करेंगे अच्छा हो जाएगा भाई हो जाएगा चार के बाद तो हो जाएगा तीसरा है ना ये दूसरा है चार के बाद हो जाएगा सबसे बढ़िया ठंड जिसने उधर का सबके खंड 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 आप रिकॉर्ड कर रहे थे खंड 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 जिसने सबको मजबूर कर दिया होने पे भंड भंड हाँ ये ठीक है आजा सबसे बढ़िया ठंड जिसने उधर का सबके खंड लेकिन मजबूर कर दिया होने को भंड भंड अबे निपटा रहे हैं पता आप क्या कहने जा रहे हो नहीं नहीं मैंने गलत बोला ही नहीं जानती है भैया जॉनी सिंह यार हर चीज एक बार बताओ विकास भाई हर चीज रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो भाई यार कई मन के ना बहुत खतरनाक वाले विचार होते हैं जो एकदम फ्लो के साथ जाते हैं आपको क्या लगता है जनता के मन में विचार नहीं आते जनता के मन में खंड इज नॉट अ शब्द ना खंड इज नॉट अ शब्द है ना बाकी जो सोच रहे हैं उनका डर्टी माइंड है वो गलत विचार के लोग हैं और जी टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस और ये नीचे अपना चल रहा है बॉनफायर ओ भाई खाना बनाएगा बना रहा हूं पनीर चिकन सब है दाल पनीर राजमा सब है चलो ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ ना तो अभी जब हम ऊपर बैठे हुए ना अब हम नीचे जा रहे हैं मैं तो कह रहा भाई मैं नीचे आता हूँ पहले और उधर अपन बॉन फायर पे खड़े थे मतलब थोड़ी आग जलाई थी हमने और जो जबरदस्त नजारे है ना यार फिलहाल खाना बना रहे हैं अपना डिनर
तो खाना तो वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम बना था, मतलब बेसिकली पानी में गर्म करके अपने को दरबारी चिकन और बाकी सारी चीजें डालनी है। बहुत तेज हवा चल रही है, -15 डिग्री सेल्सियस है अभी, बहुत ही ज्यादा फट रही है अपनी। एंड सामने देखो यार, सामने ये नज़ारे देखो, मैं थोड़ा आगे आता हूँ ना, हाँ ये नज़ारे देखो। एक्चुअली मून लाइट है ना, तो आपको पूरा पूरा ना स्काई एकदम क्लियर दिख रहा है, प्लस मून लाइट से ना जो स्नो कैप माउंटेन्स है ना वो पूरे एकदम सफ़ेद दिख रहे हैं यार। अब वो ना पता क्या, कैमरा से उतना दिखेगा नहीं, मुझे पता है मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ना, मैं जितना भी अच्छा कैमरा यूज़ कर लूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखनी नहीं है, बट यार जो एक्सपीरियंस है ना वो है ज़बरदस्त गुरु, ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त। तो फिलहाल आग के सामने खड़े होते हैं क्योंकि भाई बहुत ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड ना जो मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लोकेशन आपका कीलोंग का दिखा रहा है ना, ये यहाँ का वेदर दिखा रहा है, ये वो पिछला दिखा रहा है। अच्छा बट -11 एक चीज होती है भाई, आदमी की ना सुलग जाती है, सुलग भाई खुले में खड़ा होना ना -11 में आपकी जी में दम चाहिए। नाक से गिर रहा है, बेबी गिर रहा है, और नाक से बेबी गिर रहा है इस भाई को। ठंड लग रही नहीं लग रही भाई, ठंडी लग रही, ठंडी लग रही, फट रही लेकिन ठंडी लग रही। सुनीश भाई हाँ जी, 12 बजे रात में ये खाना बना अपना, ये रहा जीरा राइस मनी का। अच्छा ठीक है, और उनको कड़ी खानी थी, उनकी कड़ी ढूंढ रहा हूँ, कहा है ये है ऑथेंटिक, या तो ये दाल होगी मेरी या कड़ी होगी, ये दाल मखनी है तो मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मनी भाई की ये रही गर्मा गर्म कड़ी। अच्छा हाँ, तो अब कड़ी और जीरा राइस, और जीरा राइस पहुंच रहे हैं मनी भाई के पास, और इसी को इसके ऊपर डाल देना, आग जल जाएगी। बस ये बैठो, वो ना हो, अरे नहीं ना, ये आधे घंटे और से खोले आग, इसमें डाल दो, प्लेट डाल दो। सोचो क्या नाम, श्रवण कुमार खड़ा है, क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो डॉक्टर साहब? अरे साइड साइड दिक्कत है तुम्हारे साथ, साला 1 घंटा पहले तुम्हारे को टेंट के अंदर भेजा था, खाए नहीं तुम जलेबी। रबड़ी कहाँ है? जलेबी दे दी तुम्हें, क्या दिक्कत है बताओ? रबड़ी कहाँ है? मुंह डाला गरम हो जाओ बहन, क्यों रहे हैं दयाल साहब? आपको मैंने अच्छे से भेजा था अंदर है मेरे साथ यार। नहीं मैं तो अंदर आ गया था सर, 100 रुपए खत्म नहीं यार, बता यार ऐसे हो रहा है यार, बता यार यहाँ देखो ना -13-15 हो रहा है यार, यहाँ हालत खराब हो रखी, देखो मेरे चुत्र डांस कर रहे हैं इतनी ठंड से, क्रैपिंग हो रही है यार, बता यार मैं देखता रहूंगा तुम्हारे को यार है? नहीं नहीं अब तो जाओ ना, ना ना बस क्यों सोऊं यार, जब तक मेरे को यहाँ पे शांति ना मिलेगी मैं कैसे सोऊंगा यार, बता मेरी ड्यूटी लग रखी है यार। हिमाचल में आई क्यों? चिस्पा चुस्पा क्या है ये, कौन सी जगह है? चिस्पा मेरा मेरा मेरी ड्यूटी यहाँ लगा रखी है मैंने, जब ये सो जाओ यार तुम यार, बहुत बहुत शोर मच रहा है यार तुम्हारा यार, सो यार जल्दी, सॉरी सॉरी ऐसा चलता है यार, चलो ठीक है आप सो जाओ।